वेलकम 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 गाइस टू अनदर एपिसोड ऑफ टर्मोइल। लास्ट एपिसोड अगर आपको याद होगा तो हमने काफी ठीक ठाक सा प्रॉफिट कमाया था, हमको ज्यादा अच्छा लैंड पार्सल मिला नहीं था। तो अगर अब हमारा प्रॉफिट देखेंगे या फिर कैश देखेंगे तो हमारे कॉम्पिटिटर से इक्वल है, बट हमारे अपग्रेड डेफिनेटली उनसे ज्यादा है। सबसे पहले हम चालू करते हैं लैंड ऑक्शन के साथ। आई थिंक हाँ, ये दीदी को बहुत ही अच्छा लैंड मिला था, ग्रीन वाले दीदी को, डेजी। सो रेड वाले ने इधर पिच किया है, मैं ये 51 के पास में ही पिच करने वाला हूँ। होपफुली ओके, सबको अपना अपना लैंड मिल गया, किसी को ज्यादा पैसे नहीं देने पड़े एक्सेप्ट ये भाई साहब को, विच इज रिकार्डो, बट दैट इज ओके। हमारे पास और पैसे पड़े हैं जिसका हम यूज करने वाले हैं। होपफुली क्या ले, हॉर्स कैरेज ले, मोल ले सकते हैं, काउंटर अच्छी चीज है, हर्ड से काउंटर अभी तो नहीं चाहिए मुझे। फैक्ट्री में और क्या इंटरेस्टिंग है, विर्थ ले सकते हैं, टाइमर ले सकते हैं, ब्रांचेस लेने का मेरा बहुत मन है उसके बाद, बट मेरे पास $4,000 ही बच जाएंगे, बट लेट्स डू इट गाइज। हमको सिर्फ 2,000 चाहिए हर मैप में चालू करने के लिए। सो होपफुली ये मैप काफी अच्छा रिच सा मैप हो ताकि हम काफी ज्यादा पैसे कमा सकें। अगेन ये मैच 31 दिसंबर तक है तो हमारे पास पूरा साल है पैसे कमाने के लिए। थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर लेते जब तक हमारे डाउजर्स ऑयल ढूंढ रहे हैं। ओके, डाउजर नंबर वन को ऑयल मिल गया है, लेट्स गेट इनटू इट। डाउजर नंबर टू को भी ऑयल मिल गया। ओह नहीं नहीं, घोड़ा सबसे पहले। डोंट से कि मैं आगे ज्यादा बढ़ गया हूँ, बड़ा हूँ। यहाँ बेचते हैं हमारा घोड़ा भाई साहब 180 आई थिंक। तो 180 इज लाइक द स्वीट स्पॉट गाइस, $180 आप खर्चा करेंगे तो आप इनफ डेप्थ में पहुंच जाते हैं कि आप वो जनरली ऑयल मिल जाता है। नाइस, यस ऑयल मिल गया इस भाई साहब को भी। हम अभी यहाँ पे एक टैंकर भी लगाएंगे और एक और डाउजर लगाएंगे। होपफुली ये वाले मैप में बहुत ही ज्यादा ऑयल है, ये वाला छोटू सा ऑयल फील्ड लग रही है, वाइल ये वाला बड़ी सी ऑयल। ये $0 में ऑयल बेचा, दिस इज द फर्स्ट टाइम गाइस मैंने किसी को देखा है $0 ऑयल के लिए। 0.73 इज डिसेंट, हम थोड़ा बहुत बेचेंगे क्योंकि हमको अभी कैश की जरूरत है। होपफुली हमारे डाउजर को और ऑयल वेल्स मिल जाए तो काम। वाओ, यहाँ से यहाँ जाने के लिए 800-700 लगेंगे, वाइल 350 प्लस 200 आई डोंट नो, मेरे हिसाब से तो चले जाना चाहिए, बट अभी हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे पास कैश ही नहीं है। यहाँ से यहाँ भी जाने के लिए $600 देने चाहिए क्या, क्या लगता है आपको? अगर मैं यहाँ से यहाँ ऑलरेडी बिल्ड, ये $180 है तो 350 प्लस 180 आई थिंक ये चीपर रहेगा यहाँ पे नया रिग लगाने के लिए। हमारे दोनों रेक, मेरी एक्चुअली शायद गलती हो गई, दोनों रेक काफी पास में, मेरे को सेंटर में एक लगा के यहाँ और यहाँ करनी चाहिए, बट अगेन मुझे स्टार्टिंग में मालूम नहीं था कि किस तरफ ऑयल मिलेगा। हाँ भाई मालूम है, रुक जा तू। फाइनली ये 0.00 से ऊपर आ रहा है, 0.5 आ गया। जिसका प्राइस हाईएस्ट होगा हम उधर ऑयल बेचेंगे। हमारे पास थोड़ा सा आ गया है रिक लगाई है। अगेन हमारे पास 0.8 आ गया, थोड़ा सा पैसे की जरूरत है अभी तो। हम जहां से ऑयल ले पा रहे हैं और बेच पा रहे हैं हम वहां बेचेंगे। ओके, पहले यहां पे 8587 हो गया या 0.82 पे ही है तो हम राइट हैंड साइड बेचेंगे 0.9। नाइस, तो आई थिंक यहां पे अच्छा खासा पैसा मिलने वाला है हमको। हमको टाइम वेस्ट नहीं करना है क्योंकि अगेन मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा मैप होना चाहिए, तो जितना हो सकता है हम ऑयल बेचने का स्टार्टिंग में कोशिश करेंगे और ऑयल निकालने की भी कोशिश करेंगे ऑब्वियसली। $1 के ऊपर चला गया हमारे तीन बंधु। अरे हम थोड़ा सा स्कैन कर लेते हैं, मेरे को फॉल्स का। ओह वाओ, काफी बड़ा ऑयल वेल है, विच मींस मजा ही मजा। ओह यस, ये रहा, नाइस। काफी बड़ा ऑयल वेल है, हम एक और हीरो को लगाएंगे और जितना ऑयल बेच सकते हैं बेचेंगे। एक और डाउजर हीरो को लगाएंगे यहाँ पे, होपफुली और ऑयल वेल मिले। ये काफी बड़ा ऑयल वेल है ना, दो चीज कर सकता हूँ मैं अभी इस टाइम पे क्योंकि काफी अर्ली इन द गेम है। मैं पूरे को अपडेट कर देता हूँ ताकि ये बहुत ही जल्दी ऑयल निकाल पाए। मैं और घोड़े लगा देता हूँ क्योंकि ये वाला ऑयल वेल से भी बहुत जल्दी ऑयल निकलने वाला है पूरा अपग्रेड के बाद। ये वाला बड़ा ऑयल वेल है तो हमको जल्दी खाली भी करना है। होपफुली इस साइड में कोई और ऑयल वेल मिले बिकॉज हमने ये वाले साइड ही अपग्रेड किया है। ये भी आई थिंक मीडियम ऑयल वेल, मेरे को लगा था काफी छोटा ऑयल वेल है बट डजंट लुक लाइक इट। हमने काफी अच्छा प्रॉफिट कमा लिया है हमारे मल्टीपल घोड़ों के कारण। हमने अपग्रेड ले लिया गलती से, मेरे को घोड़े लेने थे बट ठीक है। अपग्रेड लेने के कारण इसका ये फायदा है मेरे को फालतू का ऑयल
क्या बोलते हैं अपना पाइप्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पे बेचते हैं, यहाँ पे भी आई थिंक दो ही बेचते हैं, आई डोंट थिंक मुझे इतने सारे ऑयल वेल्स की जरूरत, सॉरी ऑयल सेल्स की जरूरत है। एक और डाउजर भाई साहब को लगाते हैं, ये वाला ऑयल वेल तो मुझे मिल नहीं रहा। कहाँ बताया भाई साहब, ये ऑयल वेल तो नहीं बता रहा बार बार। काफी कॉमेडिक हो जाएगा अगर वही ऑयल वेल बता रहा है तो। आई डोंट नो कहाँ पे, मैं पूरा ऊपर से नीचे स्कैन मार लिया एंड आई एम श्योर काफी पैसे मैंने वेस्ट भी कर लिए हैं उसके चक्कर में। सो आई एम नॉट रियली श्योर, इसको बढ़ा देते हैं। आई एम नॉट रियली श्योर ये ऑयल वेल कहाँ पे है इसका, ये आई थिंक $1 के ऊपर जाने वाला है, तो हम वापस सब यहाँ बेचना चालू कर देते हैं। डाउजर भाई साहब तू दूसरा ऑयल वेल बता, ये तो पता नहीं कहाँ ढूंढ रहा है ऑयल वेल। तो हमने इसके नीचे पूरा स्कैन कर लिया अनलेस एंड अनटिल आई थिंक यहाँ पे है, लेट्स सी। ओह यस, यहाँ पे आपको हल्का सा दिख रहा है, आई डोंट नो आपको दिख भी रहा है कि नहीं, बट बहुत ही छोटा सा ऑयल वेल। आई थिंक जब मैप जूम आउट करेगा तब शायद दिखना चालू हो जाना चाहिए यह ऑयल वेल, बट हमारे डाउजर भाई साहब ने बहुत अच्छा ढूंढा, क्योंकि हम हमारा ये ऑलरेडी अपग्रेडेड है तो हमको ये वाला अपग्रेड करने में ज़्यादा लोड नहीं होता है, जैसे ओके बल्ब करने लग गया मतलब हमारा ऑयल वेल मिल गया है। Fantastic, $1 के ऊपर हम बहुत पैसे कमा रहे हैं अभी, हम वेल से निकाल निकाल के पैसे कमा रहे हैं, हमारा एक डाउजर अच्छा ढूंढ रहा है ऑलरेडी तो। ओके जैसे आप देख रहे हैं अभी धीरे धीरे ये ऑयल वेल दिखने लग गया, वाओ हमारा डाउजर बहुत ही ज़्यादा एडवांस था, उसने इतना जितना अंदर ढूंढ लिया जहाँ पे हमारा नज़र भी नहीं जा रही थी, ऑब्वियसली हमको बाद में मिल जाता था, बट अभी के लिए दिस इज गुड। होपफुली यहाँ कहीं पर मिल जाए, क्योंकि हमने काफ़ी ज़्यादा ऑयल रिग्स में पैसा डाल दिया, ऑलमोस्ट 3 रिग्स बना ली है, सो दैट्स 900 प्लस 50 प्लस 50 तो $1,050 डालती है रिग्स में, तो होपफुली ये रिग्स काफ़ी यूजफुल है, सिर्फ एक एक ऑयल वेल के लिए यूज़ नहीं करनी है। ये बहुत बड़ा ऑयल वेल है विच इज़ फैंटास्टिक, हमने अच्छा वो पहले ही अपग्रेड कर दिया इसको, बस करते हैं अभी के लिए क्योंकि अभी तक सिर्फ मे आया है। आई अपग्रेड दिस ऑयल वेल ऑल्सो, आई थिंक कर ही देते हैं, ये वाला भी अच्छा खासा बड़ा है, दोनों से फटाफट ऑयल निकलना चालू होगा तो मज़ा आएगी, और प्राइस कम होता जा रहा है तो हम इसको और कम करेंगे, $1 के ऊपर प्राइस जाएगा तभी हम अच्छा खासा बेचना चालू करेंगे, अभी के लिए तो एक आधा बेचना चालू होगा, 80 के नीचे जाएगा तो मैं बेचना बंद ही कर दूंगा, क्योंकि अभी हमारे पास बहुत टाइम है, सिर्फ मे आया है, सो 80 के नीचे बंद कर देते हैं। ऑयल सब साइलोज में डालते हैं, यहाँ ये वाला यू नो रिजर्व खाली हो रहा है फटाफट, ये वाला रिजर्व भी खाली हो रहा है, आई डोंट नो ये वाला रिजर्व की साइज क्या है, बट मैं स्कैनर यूज नहीं करूंगा ये वाले रिजर्व की साइज जानने के लिए, आई डोंट थिंक इट इज दैट इंपॉर्टेंट। और क्या किया जाए, और क्या किया जाए अभी के लिए, तो आई थिंक वेट एंड वॉच है, $75 तो पहुंच गया, आई थिंक एक और लेवल बढ़ना चाहिए। सो दिस इज द राइट स्टाइल गाइस, अनलाइक प्रीवियस वीडियो जो आपने देखे हुए हैं जहाँ पे मैं बनाते ही साइलोज बढ़ा देता हूँ, दैट इज नॉट द राइट स्टाइल। हमारा डाउजर मैप के बाहर चला चुका है, हमने एक और डाउजर लाएंगे जस्ट टू इंश्योर कि हमने कुछ मिस नहीं किया है, होपफुली हमने और कुछ मिस नहीं किया है, तो डाउजर से ढूंढने देते हैं हम। ओके ऑयल वेल फुल हो गया, और साइलो लगाएंगे हम, इमीडिएटली अपडेट नहीं करेंगे ये साइलो को। ओके अगर ये डाउजर बाहर चला गया तो मैं और डाउजर पे पैसे नहीं खर्च करने वाला, आई एम नॉट श्योर इनको यहाँ पे कुछ मिल रहा है कि नहीं, क्योंकि मेरे हिसाब से तो यहाँ तो ऑयल वेल्स है तो यहाँ पे भी अच्छा खासा ऑयल वेल ऑयल्स होने चाहिए, वाइल्स तो नहीं होगी। VF एक और ऑयल वेल एक और अपग्रेड ले लेते हैं, जब VF भी फुल होने आएगा आई एम गेसिंग ये भी जल्दी फुल होने आएगा, क्योंकि हमारे पास हमारा अपग्रेडेड हॉर्स कैरेज है, सो एक बार में ये हॉर्स कैरेज बहुत ज़्यादा ऑयल कैरी करते हैं, जैसे आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 3 ऑयल कैरेज पूरा साइलो भर देते हैं, विच इज़ फैंटास्टिक भी है, कम भी है, क्योंकि मेरे को साइलो में बहुत पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। आई एम गेसिंग क्योंकि अभी तक सिर्फ जून है तो ये हमको इवेंचुअली लॉन्ग रन में रिटर्न देगा, ये साइलोज भरना ये $0.91 पे आ गया है, $0.92 $1 के ऊपर आएगा तब मैं बेचना चाहूँगा। हम एक और अपडेट ले लेते हैं, हमारा तीसरा साइलो भरने आया है, वाओ मैंने अभी तक जितने बार गेम खेला 3 साइलोज पूरे कभी नहीं भरे हैं, विच इज फैंटास्टिक आई थिंक। भाई $1 के ऊपर जाए तो मैं तुम्हारे ऊपर बेचना चालू करूँगा, आई थिंक लेफ्ट वाला $1 के ऊपर जल्दी चला जाएगा, आई डोंट नो कि राइट वाला काफ़ी स्लो हो गया है, थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर लेते हो ज़्यादा नहीं गाइस। एंड $1 ब्रीच एंड हम पूरा गांव लेफ्ट साइड बेचना चालू कर देंगे, हम एक और घोड़ा वाला लगा देंगे क्योंकि हमको नहीं मालूम ये प्राइस कितना टाइम तक रहेगी, प्लस जो हमारे दो अपग्रेडेड एरियाज है A and B उनमें से काफ़ी फास्ट ऑयल निकल रहा है, तो हमको हमारे साइलोज एंड ऑयल वेल से बेचना है, सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हमारे साइलोज से भी घोड़ा गाड़ी वाले लेते रहे, सिर्फ ऑयल वेल से ना ले, तो वो एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। आप देख सकते हैं हमारे थोड़े 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 साइलोज खत्म हो रहे हैं, बट क्योंकि
बहुत सारा ऑयल जमीन में है तो हमारे ऑयल वेल से ही लिया जा रहा है मैक्सिमम ऑयल, विच इज ओके। मैं एक और घोड़े वाला लगा दूंगा एंड लगा दूंगा, जुलाई आ गया एंड प्राइस $1.3 पहुंच चुका है, विच इज वेरी गुड एंड और ऊपर जा रहा है। सो मैं जितना साइलोज खाली कर सकता हूँ उतना मैं करना ट्राई करूंगा। नाउ ये एक रिस्क भी है क्योंकि ऑब्वियसली प्राइस नीचे जाएगा, और जब नीचे जाएगा मेरे घोड़ा गाड़ी वाले आराम से बैठे रहेंगे, बट ये रिस्क मैं अभी के लिए लेने के लिए तैयार हूँ क्योंकि मैं इतने हाई प्राइस पे जितना सारा ऑयल बेच सकता हूँ उतना बेस्ट है मेरे लिए। सो लेट्स जस्ट फास्ट फॉरवर्ड इट अ लिटिल बिट। ये प्राइस नीचे जा रहा है बट $1 तक मैं कंटिन्यूसली बेचता रहूंगा, मैं कुछ रिमोर्स नहीं करने वाला हूँ क्योंकि मेरे पास ऑयल रिजर्व भी बहुत हैं प्लस हमारे पास साइलोज भी बहुत है। सेकंडली हमारा एक और अगर आप देखें डाउजर एक और लगाया था वो भी बाहर चला गया, तो आई एम गेसिंग ऑल ऑयल रिजर्व्स है नहीं इस मैप में। सो लेट्स कंटिन्यू सेलिंग, ये $90 के नीचे आ गया, सो लेट्स रिड्यूस सेलिंग एंड हम हमारे ऑयल रिजर्व्स बढ़ते हैं। ऑयल रिजर्व्स क्योंकि बढ़ रहे हैं तो थोड़ा और फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ जब तक ये वापस $1 के ऊपर नहीं आता। हमारे पास ऑगस्ट है तो टाइम ही टाइम है, $23,000 आ चुके हैं विच इज वेरी गुड। सो लेट्स जस्ट फास्ट फॉरवर्ड गाइस, जैसा देख सकते हैं हमारा साइलोज वापस भरने के कगार पे आ गया। ये वाला ऑयल रिजर्व ऑलमोस्ट खाली हो गया है, ये वाला ऑयल रिजर्व मेरे को कोई आइडिया नहीं है, ये वाला ऑयल रिजर्व ऑब्वियसली खाली हो चुका है, नीचे वाला भी खाली हो चुका है आई थिंक, ये एंड ये ही बड़े वाले हैं। अच्छा वो मैंने इनको अपग्रेड कर दिया विच इज नाइस। थोड़ा और फास्ट फॉरवर्ड करते हैं आई थिंक, ओ माय गॉड डोंट टेल मी एक और साइलो लगाने की जरूरत पड़ने वाली है, एक और साइलो लगाने की शायद जरूरत पड़े, अभी के लिए नहीं लगाता हूँ क्योंकि ये वापस $1 ब्रीच करने वाला है एंड मैं सब बेचना चालू करने वाला हूँ लेफ्ट राइट एंड राइट इंक में। कभी आपको साइलो नहीं लगाना हो तो वो भी कर सकते हैं, जितने आपके घोड़ा गाड़ी वाले हैं वो ऑयल अपने टैंकर में रखते हैं जब तक सब फुल नहीं होता है, उसके बाद ओवरफ्लो होता है। तो इट्स अ गुड टैक्टिक अगर आपको यू नो साइलोज नहीं बनाने, स्पेशली लेट इन दिस गेम लाइक सितंबर जैसे मेरा चल रहा है और मेरे को इस टाइम पे साइलोज नहीं बनाने क्योंकि सेंस नहीं बनता है ये ओवरफ्लो होने वाला था। ओ वाओ ये वाला भी खाली हो गया, आई थिंक लास्ट हमारा ये है, हम इस मैप में यस ये वाला भी खाली हो गया, तो हमारा जितना भी बिक्री होगी फ्रॉम अक्टूबर नवंबर दिसंबर सब होने वाली है from our silos which is nice. Wow, humko definitely oil extraction wala milne wala hai bonus, oil sale wala bonus bhi mil jaye to bhi badhiya, I think October hai to hamare paas oil sale wala bhi bonus ho sakta hai. Thoda fast forward karta hu but main left right ink ke prices pe dhyan dunga kyunki ye badh rahi hai ye ghat rahi hai, so main ek side mein switch kar dunga jaise hi price cross karegi, and the price crosses and main switch kar diya. Now let's fast forward to lefting की price बढ़े जा रही है, I think ये वाला map में हम अच्छा खासा price पे बेच रहे हैं and हमको बहुत oil मिला है, so that's good. Nice, so हमारा सब oil बिक गया, हमारा सब oil extract हो गया है, हम withdraw lease करेंगे, so जितना पैसा मिला उससे भी and और कुछ कर नहीं सकते, I think we'll just first diamond find, हम diamond नहीं find कर पाए, but हम stop करेंगे level hopefully, oh यहाँ पे एक diamond था, but हमने सब oil निकाल लिया. So bonus for early withdrawal $1,000, bonus for all oil depletion again $1,000 and all oil sold $1,000. अगर हम हमारी ग्राफ्स पे देखें तो नाइस अर्निंग प्रॉफिट ट्रांचेज में आया है, जब भी प्राइस $1 के ऊपर गया है हमने बेचा है, अर्निंग पे देखें तो 1.18 विच इज जस्ट फैंटास्टिक गाइस। हमारे पास बहुत ऑयल था, हमारे पास बहुत टाइम था और बड़े बड़े रिजर्व थे, इसका मतलब हम अपग्रेड करके निकाल सकते हैं, छोटे छोटे रिजर्व होते तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है निकालने में क्योंकि हम सब जगह अपग्रेड नहीं कर सकते। स्पेंडिंग देखे तो हमने वैगन्स पे पाइप्स पे बहुत स्पेंड किया, रिग्स पे जैसे मैंने आपको बोला $1,050 स्पेंड किया है, बट आई थिंक सब रिकवर हो गया है क्योंकि हमारा टोटल प्रॉफिट 41,000 है। लेट्स सी हमारे कॉम्पिटिटर्स का क्या सीन है गाइस। ओ वाओ हमने हमारे कॉम्पिटिटर्स को सिग्निफिकेंटली बीट कर दिया क्योंकि बलांका रिकार्डो ने लास्ट टाइम कुछ खर्चा नहीं किया था तो उनके पास अभी भी काफी अच्छे पैसे बचे हुए हैं, बट आई थिंक ये वाला एपिसोड के लिए इतना ही गाइस। गाइज हिट द सब्सक्राइब बटन क्योंकि ये मेरे चैनल को बहुत हेल्प करता है, बहुत लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो गाइज सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए। ऑल्सो गाइज आप मुझे कमेंट्स में बताइए आपको ये वाला गेम कैसे लग रहा है, मैं अभी तक तो मैं डेजर्ट लेवल पे हूँ बट जैसे आप देख सकते हैं लैंड ऑप्शन में जाके ये डेजर्ट है यहाँ पे, उसके बाद ग्रास लैंड है एंड देन आइस है, आइस में तो अलग ही मजा आता है। सो गाइज आप यू नो वो बेल आइकॉन पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन आए। विद दैट गाइज दिस इज द फ्री एंड Signing off.